नमस्कार অরিজিৎ সিং এর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার চলে এসেছি। জিতনা মানে শিখা হয় উস হিসাব সে আই হ্যাভ অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম মাই গুরু কি অ্যাজ আ সিঙ্গার গলা ইম্পর্টেন্ট নেই। একটা গলা একটা ভোকাল কিভাবে তৈরি করতে হয় অরিজিৎ সিং স্যার পুঙ্খানুভাবে আপনাদের জানালো। এই ভিডিওটার মাধ্যমে তিনি অনেক ইনফরমেশন দিল কিভাবে নিজের ভোকালকে কিভাবে নিজের গলাকে ভালো করতে পারবেন এবং কিভাবে সুরেলা কণ্ঠে আপনি গান করতে পারবেন, কিভাবে চর্চা করলে আপনার গলা আরও আরও অনেক ভালো হবে। অবশ্যই আপনাদের ভিডিওটা অনেক উপকারে আসবে, অবশ্যই ভিডিওটা পুরো মন দিয়ে দেখুন আপনারা। জিতনা মানে শিখা হয় উস হিসাব সে আই হ্যাভ অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম মাই গুরু কি एज अ सिंगर गला इम्पॉर्टेंट नहीं है। गला इज बेसिकली योर मशीन, यू हैव दैट सिस्टम इन साइड यू और उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको वार्म अप करना है। जैसे हम लोग लाइक एन एग्जाम्पल लाइक टू गिव, मेरे गुरु जी हमेशा बोलते थे कि आपको मैराथन करना है, आपको रेस करना है, तो आपको पहले तो आपका बॉडी का वार्म अप चाहिए सो दैट यू कैन रन। सो पैर के साथ साथ बॉडी का हर मसल्स, यू बेसिकली यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका मसल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाता है एंड देन यू टारगेट इन योर ब्रेन। तो ये जो वार्म अप वाला सिचुएशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे जो भी आपका टीचर है उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है एंड यू नो यू नीड टू हैव अ टीचर, यू नीड टू हैव अ गुरु और उनको फॉलो करते हुए यू हैव टू वार्म अप मेंटली ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि मैराथन सिर्फ ऐसे दौड़ने से नहीं होता। यू हैव टू हैव अ गोल, कहाँ पे मुझे कैसे सांस लेना है, कहाँ पे मुझे हर्डल्स क्रॉस करना है। अगर इसको एग्जैक्टली सिंगिंग में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इट्स बेसिकली दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर थ्रोट, योर गला लाइक दैट कि आप जब भी गाने का कोशिश करते हो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे जैसे प्रॉब्लम होता था, पहले मेरा गला टूट जाता था बहुत बार। ऐसा होता था कि रिकॉर्डिंग के पहले गला टूट गया, स्टेज के पहले टेंशन में गला बैठ जाता था। ये मोस्टली आई हैव सीन सिंगर्स के साथ ये होता है कि हम लोग ना बहुत परहेज करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये ठंड नहीं लगाना चाहिए। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली तो आपका गला है, अपने आप ठीक होगा। आई थिंक बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये। गले को अपने हिसाब से रेस्ट देना चाहिए, गले को उतना ज़्यादा पुश नहीं करना है कि आपका गला बैठ जा सकता है। आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वॉइस एंड एट द सेम टाइम अगर गला बैठा भी है, यू कैन स्टिल सिंग, इट विल साउंड डिफरेंट। आपका जो टेक्सचर है गले का वो शायद एग्जैक्टली वैसा नहीं रहे जो नॉर्मली रहता है, बट यू कैन स्टिल सिंग, इट विल गिव अ डिफरेंट फ्लेवर। एक्चुअली गाना तो दिल से है, गाना दिमाग से है। आपको कैलकुलेशन जो है, आपका टेक्निकल कैलकुलेशन, जो आप सुर का जो कैलकुलेशन है वो आप दिमाग से करते हो और उसको नेचुरली आप प्रैक्टिस करके याद करते हो, उसके बाद यू फॉरगेट अबाउट दैट ऑल्सो। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग थिंग्स। आपको यू हैव टू बी अ सिंगर, एट द सेम टाइम यू हैव टू बिकम अ नॉन सिंगर एंड डिलीवर। ये जब मैंने सुना था गुरुजी से, इट चेंज्ड एवरीथिंग इनसाइड मी, इट चेंज्ड द गेम कम्प्लीटली। तो जितने सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने किया है आज तक, मेरा गला हमेशा एक जगह पे नहीं रहा है एंड आई हैव बीन रियली स्ट्रगलिंग कि एक दिन रिकॉर्डिंग का डेट आ गया और उसी टाइम पे गला बैठ गया और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ म्यूजिक डायरेक्टर्स को। बट आई हैव only remembered that suggestion that my guruji has given me ki don't worry about it, go there, jo bhi gale ka halat hai us hisab se gao। even ustad aamir khan sahab, ek example hai, ek din unka gala kharab tha, unka ek range tak limited tha, to stage jane se pehle unhone mic mein announce kiya tha ki aaj mera gala kharab hai, yahi range mein main ga sakta hu, and that worked, you know, and that became history। so this my suggestion is, आप सिर्फ गाने के बारे में सोचो, आपका बॉडी, आपका गला जो है वो अलग पार्ट है, वार्म अप करो एंड गाने के टाइम पे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिरिक्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिचुएशन एंड सिंग योर हार्ट आउट। অরিজিৎ সিং স্যারের ভক্ত অবশ্যই আপনারা, আপনারা যারা গান শিখছেন তাদের জন্য ভিডিওটা অবশ্যই অনেক কাজে লাগবে। ভিডিওটা অনেক শেয়ার করুন আর ভিডিওটা
ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে এবং অরিজিৎ সিং স্যারের যদি আপনারা অনেক ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে প্রচুর ভিডিওটা শেয়ার করুন। যারা নতুন গান শিখবে বা শিখছে তাদের অনেক কাজে আসবে। নতুন প্রজন্মের জন্য কিন্তু অরিজিৎ সিং স্যার সব সময় ভাবে। যারা ফেসবুকে নতুন তারা অবশ্যই পেজটা ফলো করে দিন, ইউটিউবে যারা নতুন দেখছে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন, একটা লাইক করতে কিন্তু ভুলবেন না। আপনারা ভালো থাকবেন সকলে। আই লাভ ইউ অরিজিৎ সিং স্যার। আবারও ফিরবো নতুন একটা ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো এখানেই।